नमस्कार देवी और सज्जनों, आज इस वीडियो में हम लोग कैमरा रिव्यू करने वाले Asus Zenfone Max Pro M2 का। जी हाँ, यहाँ पर आपको दिया गया डुअल रियर कैमरा, एक है आपका 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो है आपका सोनी IMX486 सेंसर विद 1.8 का अपर्चर, 1.25 माइक्रोन पिक्सल साइज, PDAF, EIS, और उसके साथ आपको मिलता है एक सेकेंडरी कैमरा विच इज अ 5 मेगापिक्सल कैमरा फॉर बेटर बोके शॉट्स, वो तो टाइम ही बताएगा। चलिए बात करते हैं सेल्फी के बारे में। यहां पर अपडेट करके सेल्फी कैमरा दिया गया 30 मेगापिक्सल कैमरा विद एपर्चर F2.0, उसके साथ आपको दिया गया एक सॉफ्ट LED फ्लैश। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं कैमरा का UI, लेकिन उससे पहले आप देख लो चैनल इंट्रो। एक्चुअली वो तो देखना जरूरी है यार, चैनल पे चैनल इंट्रो नहीं देखो, ऐसा कोई होता है क्या? जल्दी से आपको दिखा देते हैं कैमरा का यूजर इंटरफेस कैसा है। जैसे आप देख पा रहे हो इस टाइप का वो कैमरा यूजर इंटरफेस मिलेगा। रियर कैमरा में आपको मिल जाता है डेप्थ इफेक्ट, तो उसके हिसाब से आप फोटो खींच सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स पर जाता हूँ आपको दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको 30 मेगापिक्सल का जो रेशियो है एस्पेक्ट रेशियो आप यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे से ऐसे करके आप वीडियो में जा सकते हैं। वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जैसे दिखाई देगा 4K UHD तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फुल HD का सिलेक्ट करेंगे आपका इमेज स्टेबिलाइजेशन आपको ऑन मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हो। जब भी आप वीडियो को 4K कर देंगे ये इमेज स्टेबिलाइजेशन ऑप्शन आपका चला जाएगा, जो यहां पर आपका नहीं है। सेल्फी कैमरा का देखा जाए कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप फोटो खींचते हैं जैसे आप देख पा रहे हो कितना डिस्टेंस में है, लेकिन जब भी आप ये वीडियो में चले आएंगे तब भी जैसे आप देख पा रहे हो ये काफी क्रॉप हो जाता है, ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है। उसके साथ साथ सेल्फी कैमरा में भी आपको इमेज स्टेबिलाईजेशन के साथ साथ आपको फुल HD रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी मिलता है। और अगर यहां पर मैं कैमरा में चला जाता हूं तो यहां पर आपको ब्यूटिफिकेशन मोड मिल जाता है, लेकिन अभी तक यहां पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं आया। सो इस टाइप का कुछ बेसिक कैमरा यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा Asus Zenfone Max Pro M2 में। सो अभी टेस्ट आउट कर रहे हैं 4K, तो देखता हूँ थोड़ा स्पीड अप करके 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होता है, आप लोग देखते रहो। राइट नाउ अभी 40 में है, 40, 50, 60। प्रकार का आपका आएगा और उसके साथ साथ जो स्टेबलाइजेशन है कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा। सो सबसे पहले देख लेते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑफ करके अगर फुल HD वीडियो उठाते हैं तो कैसा वीडियो आएगा। तो ये अभी 30, 40, 50 तक उठाते हैं स्पीड। सो लगभग 60 के आसपास मैंने स्पीड अप किया, और अगर आप विदाउट स्टेबलाइजेशन वीडियो उठाते हैं तो वीडियो कुछ इस प्रकार का आएगा। चलिए अभी फुल HD वीडियो स्टार्ट करते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करके। तो अभी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो वी आर ऑन 30, राइट नाउ ऑन 40, 50। स्टॉप यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार का आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलेगा इन फुल HD मोड। अभी आप वीडियो देख पा रहे हो, ये रियर कैमरा सैंपल है, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का आपका आएगा रियर कैमरा सैंपल। सो ये आर्टिफिशियल लाइटिंग है, जैसे आप देख पा रहे हो छत पे मेरा बहुत सारा लाइट्स है अलग अलग, और अगर आप टैप करके आप फोटोज भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टैप टू फोकस ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है, यहाँ पर आपका अवेलेबल नहीं है। और लो लाइट में कुछ इस टाइप का वीडियो आप ले पाएंगे इन फुल HD मोड विथ स्टेबलाइजेशन। अभी जो कुछ सैंपल्स आप देख पा रहे हैं ये कुछ रियर कैमरा सैंपल्स है, थैंक्स टू द सोनी सेंसर। रियर कैमरा परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है, नो डाउट। डे लाइट में अगर कोई भी मोड छोड़ के आप नॉर्मल मोड में फोटो लेते हैं, फोटो रियली कम्स आउट प्रिटी गुड। और सबसे अच्छा जो चीज़ लगा, यहाँ पर आपको कोई भी पॉपी कलर्स देखने को नहीं मिलता, काफ़ी नेचुरल कलर्स है, और काफ़ी अच्छे डिटेल के साथ ये कैमरा फोटो उठाने में सक्षम है। जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का फोटो आप ले पाएंगे इन डे लाइट कंडीशंस।
अभी बहुत किसी ने मुझे मैक्रो शॉट्स के बारे में पूछा है। एक्चुअली मैक्रो शॉट्स और टैप टू फोकस ऑप्शन तो डेफिनेटली अवेलेबल है, मतलब आप क्लोजर शॉट्स आप ले सकते हैं, और कुछ कुछ शॉट्स काफी अच्छा है और फोकसिंग भी इसका मुझे काफी हद तक अच्छा लगा। एक चीज जो मुझे मिसिंग लगा इसका ये है कि आप वाइट बैलेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी, जो दूसरे सिमिलर रेंज ऑफ डिवाइसेस में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है यूआई में अपडेट करने का जरूरत है। आइदर दैट अगर आप मैक्रो शॉट्स देखते हैं, क्लोजर व्यूज भी देखते हैं, वो काफी अच्छा निकल गया है। तो ओवरऑल डेलाइट शॉट्स कम्स आउट प्रिटी वेल। अभी बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर डुअल रियर कैमरा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पोर्ट्रेट शॉट्स मतलब फोटो उठाने के बाद अगर आप इसको सोशल नेटवर्क में इस्तेमाल करना चाहते हैं, फोटोज कम्स आउट सिंपली आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत एग्जामिन करना चाहते हैं, अंदर घुस के इसको थोड़ा मतलब चीट फाड़ करना चाहते हैं, तब आपको नजर में आएगा बहुत सारा एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर भी है वो मुझे लगता है काफी ज्यादा ब्लर है, मतलब ये काफी आर्टिफिशियल लगता है, थोड़ा सा नेचुरल नहीं लगता है। और जैसे मैंने बताया एज डिटेक्शन अभी भी उतना सही नहीं है, तो इस उसको आई थिंक और भी काम करना पड़ेगा। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर के अपडेट के माध्यम से एक्चुअली ठीक हो सकता है। तो फॉर द टाइमिंग इट्स ओके, नॉट दैट ग्रेट, मतलब काम चलाओ है। अभी बात करते हैं लो लाइट शॉट्स। एक्चुअली लो लाइट शॉट में मुझे मिक्स फीलिंग नजर में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोज तो एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है, मतलब कुछ कुछ फोटो अगर 10 फोटो में से एक या दो फोटो काफी अच्छा आ जाता है, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ फोटोज एक्चुअली उतना अच्छा नहीं आता। मतलब बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग का कमी है, और बहुत ज्यादा बहुत कुछ नहीं है। तो लो लाइट फोटोग्राफी इज नॉट दैट ग्रेट। इफ यू टॉक अबाउट अ पोर्ट्रेट लो लाइट मतलब या फिर लो लाइट पोर्ट्रेट, वो भी इसका उतना सही नहीं है। हालांकि रियलमी की जैसा है नहीं, मतलब लाइट नहीं है तो मैं फोटो उठाने नहीं दूंगा। एक्चुअली ये कोई भी एंगल से आपको फोटो उठाने दे देगा, लेकिन एक्चुअली वो फोटो भी वैसा आता है, मतलब वही काम चलाओ। तो लो लाइट फोटोग्राफी सिंपली नॉट ग्रेट ऑन दिस डिवाइस। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आर्टिफिशियल लाइटिंग में अगर आप फोटो उठाते हैं मेरे अपने स्टूडियो के अंदर, मतलब छोटा सा रूम के अंदर एक्चुअली, उसको तो स्टूडियो बोलने में थोड़ा अच्छा ही लगता है, वहां पर कुछ कुछ फोटो एक्चुअली काफी अच्छा है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने बताया एक्चुअली लो लाइट फोटोग्राफी काफी मिक्स एंड मैच फीलिंग के साथ आया है, कुछ अच्छा है कुछ अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा सेल्फी वीडियो टेस्ट कर लेते हैं बाइक में, और यहाँ पर भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं एक चीज देखा यहाँ पर ये पिक्चर काफी क्रॉप हो जाता है, जैसे हम देखते हो ये काफी नजदीक आ गया है। तो यहाँ पर तो एक्जैक्टली स्टेबलाइजेशन कैसा इसका मिल रहा है, और सेल्फी वीडियो में लुक लाइक दिस एक्चुअली थोड़ा क्रॉप हो जाता है, ये वाला मुझे काफी डाउट लगा। और अभी जैसे इसका सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है, तो होपफुली आपको अच्छा खासा साउंड आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसका टेस्ट किया है, इसका आई थिंक साउंड कैप्चरिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। बट ये क्रॉपिंग जो फीचर है ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, सो डेफिनेटली इट्स अ लेट डाउन आई थिंक। ये आपका सेल्फी वीडियो सैम्पल फुल एचडी में आपका रिकॉर्डिंग करो, स्टेबिलाइजेशन तो होपफुली है ठीक ठाक ही आ रहा है। लो लाइट में अगर आप वीडियो लेंगे, अभी तो मेरे छत पे काफी सारा आर्टिफिशियल लाइटिंग है जैसे आप देख पा रहे हो, तो कुछ इस प्रकार का वीडियो ले पाएंगे। अगर लाइट के सामने में मैं जाता हूँ तब आपका मेरा चेहरा एकदम साफ साफ दिखाई देगा जैसे आप देख पा रहे हो, और अगर लाइट से दूर जाता हूँ कुछ इस प्रकार का आपका मिलेगा वीडियो लो लाइट में। अभी बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। जी हाँ, मतलब काफी लंबा चौड़ा बड़ा एक सेल्फी कैमरा तो दे दिया है, लेकिन सेल्फी कैमरा का परफॉर्मेंस मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले बता दो, सेल्फी कैमरा में आपको अभी तक पोर्ट्रेट मोड का अवेलेबिलिटी नहीं मिला है, मतलब अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो सेल्फी कैमरा कुछ इस प्रकार का, जैसे फोटो देख पा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मुझे पर्सनली एक्चुअली सेल्फी कैमरा उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक ठाक है काम चला हुआ है बस, दैट्स इट। इवन जो ब्यूटी मोड है या फिर बाकी सभी मोड है सभी वही काम चला हुआ। मैं फिर से बता रहा हूँ एक्चुअली यूआई इसका अपडेट करने का बहुत ज़रूरी है, तो कैमरा मतलब वैसा ही है, मतलब अराम इस टाइप का है एक्चुअली। तो गाइज ये था आपका फुल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू ऑफ एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2। मेरे हिसाब से आई थिंक कैमरा को और भी ज्यादा अपडेट करने का जरूरी है, बहुत सारे अलग अलग मोड्स है जो यहाँ पर ऐड होना बाकी है। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक पोर्ट्रेट मोड इन सेल्फी, उसके साथ साथ जो सेल्फी वीडियो का जो ऑप्शन है वो करने के बाद वीडियो बहुत क्रॉप हो जाता है, तो वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अपडेट करना बाकी है, और उसके साथ साथ आपका जो यूआई है कैमरा का वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो कैमरा परफॉर्मेंस अगर देखा जाए इसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 का, मेरे हिसाब से मैं दूंगा इसको 7 out of 10 बिकॉज रेयर कैमरा सैंपल्स मुझे काफी अच्छा लगा इन डेलाइट, और बाकी तो इसका वैसा कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, और एक चीज अच्छा लगा जैसे मैंने आपको दिखाया, विच इज द EIS on 1080p, वो भी मुझे काफी ठीक ठाक लगा।
तो गाइस आप बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, तो उसके साथ साथ देखें फॉलो मी ट्विटर फेसबुक एंड डेफिनेटली और इंस्टाग्राम यार, विच इज इंस्टाग्राम से रेटेड 15, बहुत ही गिने चुने लोग हैं एक्चुअली, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपना टीम बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है, दिस योर होस्ट बी साइनिंग फ्रॉम रेटेड, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।